हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। रविवार को रामपुर चौराहे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रामकिशोर शिवहरे के नेतृत्व में ओडिशा रेल हादसे में मारे गए यात्रियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वरिष्ठ आप नेता मनोहर लाल जाटव ने कहा, यह दुर्घटना रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है एवं जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नैतिकता के नाम पर रेल मंत्री को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जबलपुर में जो ओडिशा में दर्दनाक घटना घटी है, 1 साथ 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट होने से लगभग 300 यात्रियों की आज समय ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उन आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए और जो लोगों की ट्रेन दुर्घटना में इंजुरीज हुई है, जो घायल हैं, वो जल्दी से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुँचे, उसके लिए आम आदमी पार्टी जबलपुर ने यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की, मनोकामना की है कि जो मृत आत्माएँ हैं उनको वो अपने चरणों में स्थान देके परिजनों को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करके उन्हें अपने घर भेजने की कृपा करें। ये हम लोग ने सभी आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है। आपका नाम? मनोहर लाल जाटव, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोकसभा जबलपुर। जैसा कि विगत दिवस उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में बहुत सारे हमारे देशवासी हताहत हुए हैं और बहुत सारे परिवार आज दुखी हैं। उनके दुख में शामिल होते हुए हम सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबलपुर से आज रामपुर तिराहे पर कैंडल मार्च निकाल करके शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उन मृत आत्माओं को और जो लोग घायल हुए हैं उनको शक्ति प्रदान करें और मृत आत्माओं को शांति प्रदान करें, परिवारजनों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ उनको कार्रवाई करें और हम सब उनके आदेशों में शामिल हुए।